फ्रेंड्स, मामानीज किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आज मैं बनाऊंगी आरबी विद पॉन की सूखी मसाला करी। तो फ्रेंड बहुत लोग आरबी की करी नहीं खाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही चिपचिपापन होती है। तो मैं आज आपको ऐसी तरह से आरबी की करी बनाना सिखाऊंगी, उसमें एकदम ही चिपचिपापन नहीं रहेगी और ये करी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आरबी की करी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड आरबी विद पॉन की मसाला करी बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम आरबी और इसे मैं अच्छे से छील के धोके ऐसे मीडियम शेप में काट लिया है। ये देखिए मैं एक एक आरबी को दो पीसेस में काट लिया है और ये बॉईल नहीं की हुई है, ये अभी कच्चे हैं। तो फ्रेंड इधर मैंने लिया है 100 ग्राम पॉन और इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे अच्छे से धो भी लिया है। आप इसे जरूर अच्छे से क्लीन कर लेना। और फ्रेंड मैं 150 ग्राम पॉन लिया था, तो ये क्लीन करने के बाद मेरा कुछ 100 ग्राम के करीब हुई है। दो मीडियम साइज की प्याज को मैं इसे काट लिया है और 2 इंच अदरक और 5 इंच लहसुन की कलियां, तो इसे मैं एक साथ रख दिया क्योंकि इसे एक साथ मैं पेस्ट बनाऊंगी। दो मीडियम साइज की टमाटर को मैं ऐसे मीडियम पीसेस में काट लिया है। आप टमाटर की प्यूरी को भी यूज कर सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, इसे मैं पहले से ही तोड़ लिया है, और 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। और पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ये धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे मैं 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें तीखा कम होती है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आप इसकी जगह नींबू का भी यूज कर सकते हैं, 1/2 नींबू को। और मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हल्दी हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने लिया है थोड़ी सी धनिया पत्ता चॉप की हुई और 5-6 हरी मिर्च को मैं चीर लिया है। तेल हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। तो फ्रेंड आज मैं सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ। आप आपकी पसंद के अनुसार कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, वो मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी तो इसलिए सॉरी। तो चलिए आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड मैं गैस को ऑन कर दिया है और पैन को मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गई है, अब मैं तेल दे दूंगी 1 टेबल स्पून। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गई है, अब मैं दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, तो इसे मिलाएंगे और मैं अब दे दूंगी ये पॉन। इसे हल्के से फ्राई करना है और फ्रेंड मैं गैस को मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया है। पॉन हल्के से फ्राई हो गई है, अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ, तो ऐसे इसकी तेल छान लेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए कढ़ाई में तेल रह गई है, इसमें मैं और थोड़ा सा तेल दे दूंगी। इस तेल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड तेल गर्म हो गई है, अब मैं इसके अंदर आरबी को दे देती हूँ क्योंकि इसको अच्छे से फ्राई करनी है। तो थोड़ा सा चला देंगे और गैस को फिर से मीडियम लो फ्लेम पे कर देंगे। थोड़ा सा चला दिया है, अब मैं इस आरबी के अंदर दूंगी नमक 1/2 टीस्पून, नहीं तो आरबी फीका लगेगी, और 1/2 टीस्पून ये हल्दी, इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए मैं हल्दी और नमक को मिक्स कर दिया है। इस आरबी को अच्छे से फ्राई करनी है क्योंकि नहीं तो ये आरबी बहुत ही चिपचिपापन रहती है। तो अच्छे से इसे फ्राई कर लोगे तो इसका चिपचिपापन चला जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगी लेकिन इसको अच्छे से ही फ्राई करनी है। अरबी जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब आप देखना ये अरबी एकदम ही सूख जाएगी, इसका कोई भी चिपचिपापन नहीं रहेगी। तो इसे मैं 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और अरबी को ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो अरबी एक साइड से जल जाएगी और दूसरी साइड से कच्ची रह जाएगी। तो फ्रेंड ये देखिए अरबी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है, इसे मैं और 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। इसे अच्छे से फ्राई करनी है, मैं पहले ही बोला था, तभी आपकी अरबी बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसका कोई भी चिपचिपापन नहीं रहेगी। फ्रेंड ये देखिए अरबी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है और इसके अंदर कोई भी चिपचिपापन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं बाउल में निकाल लूंगी और गैस को लो कर देती हूँ और इसे निकाल लेते हैं। ऐसे करके तेल छान लेंगे और फिर इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड अरबी कितनी अच्छी से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये जब अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे कुकिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए कढ़ाई में फिर से तेल रह गई है और मैं इसके अंदर सरसों का तेल ऐड करूंगी। तेल को फिर से गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गई है, अब मैं जो खड़े मसाला लिया था वो मैं सारी डाल देती हूँ। तो पहले सूखी हुई लाल मिर्च को दे देते हैं और ये सरसों जीरा और तेज पत्ता को भी दे देते हैं। फ्लेम को लो कर देंगे नहीं तो ये खड़े मसाला जल जाएगी। ये थोड़ी सी फ्राई हो गई है खड़े मसाला, अब मैं ये पेस्ट को दे देती हूँ। ये अदरक लहसुन और जो प्याज मैंने लिया था उसे मैं एक साथ पेस्ट बना लिया है। और फ्रेंड गैस को मीडियम लो फ्लेम पे करके इसे थोड़ी देर तक भून लेते हैं। इस मसाला के अंदर थोड़ी सी नमक देंगे, इसमें से ये प्याज का जो पानी है वो सिरकेगी नहीं, इसे मिक्स करते हैं। और फ्रेंड इस मसाला को तब तक चलाएंगे जब तक इसका पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए और इसका कच्चा फ्लेवर निकल ना जाए। ऐसे ही चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से जल जाएगी मसाला। तो फ्रेंड
ये देखिए प्याज अदरक और लहसुन को मैं थोड़ा सा भून लिया है और पानी भी थोड़ा सा सूख चुकी है। अब मैं गैस को लो कर दूंगी और सारी सूखी मसालों को ऐड करना है। अब मैं दे दूंगी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर और ये आमचूर पाउडर। गरम मसाला को मैं बाद में यूज करूंगी और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी इसे मिला देते हैं। तो फ्रेंड इस सारी सूखी मसाला को मैं मिक्स कर दिया है। अब मैं दूंगी ये टमाटर को, मैं चिरी हुई ये हरी मिर्च और चपकी हुई धनिया पत्ता थोड़ी सी, इसे भी मिक्स करते हैं। ये टमाटर को मैं मिक्स कर दिया। अब मैं दूंगी थोड़ा सा पानी 3 टेबल स्पून के करीब, नहीं तो ये मसाला जल जाएगी सूखी मसाला। इसे मिक्स करेंगे और टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी दे दिया। अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गई है, इसे ढक्कन हटा देते हैं। और फ्रेंड इसे मैं बीच में एक बार चला लिया था, इसे चलाएंगे फिर से और टमाटर को थोड़ा सा मैश कर देते हैं। टमाटर ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड ये देखिए टमाटर थोड़ा सा मैश हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये फ्राई की हुई प्रॉन को दे देती हूँ, प्रॉन को भी मिक्स करेंगे। इस मसाला को अच्छे से भूनना है, इस मसाला से जब तक ये तेल ना सेपरेट हो जाए तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। तो फ्रेंड ये देखिए मसाला से तेल सेपरेट हो रही है, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो फ्रेंड अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई ये अरबी को दे देती हूँ, अरबी को सारे मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए अरबी के साथ मैं सारी मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अरबी तो पहले से ही फ्राई की हुई थी तो इसलिए इसे और ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर दूंगी 1 कप पानी और ये गर्म पानी है, तभी आपकी जो अरबी की ये जो मसाला करी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड मैं गैस को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ, मीडियम हाई फ्लेम पे, और इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ये कड़ी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही है। तो फ्रेंड आप ग्रेवी को आपके हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। इस कड़ी को मैं ढक देती हूँ, आप इस समय नमक का टेस्ट कर सकते हैं। इसे मैं ढक दूंगी, तो इसे मैं 8 से 10 मिनट के लिए ढक के होने देती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गई है, अब मैं ढक्कन हटाऊंगी। और फ्रेंड इसे मैं बीच में 2 बार चला दिया था तो इसे फिर से 1 बार चला देते हैं। और ये जो अरबी है वो नहीं पक चुकी थी तो इसलिए मैं इसे फिर से ढक दिया था। और अब मैं इसे फिर से 1 बार चेक करती हूँ, तो मैं ये स्पून से इसको चेक करूंगी। ये देखिए फ्रेंड ये अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो इसे और नहीं पकाना है। और फ्रेंड ये कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करना। और लास्ट में मैं ये गरम मसाला को दे देती हूँ और दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से। तो फ्रेंड इसे मिक्स करते हैं और गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। इसे मैं मिक्स कर दिया है गरम मसाला के साथ, इसे मैं अभी सर्व नहीं करूंगी, इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। तो ऐसे तरह मैं 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर मैं इसे सर्व कर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो फ्रेंड 2-3 मिनट हो गई है और ये कड़ी थोड़ा सा ठंडी हो गई है तो इसे मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड इस कड़ी को आप गर्मा गर्म चावल, रोटी और पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड ये देखिए बन गई है हमारी अरबी विद प्रॉन की सूखी मसाला करी। तो फ्रेंड इस मसाला करी को अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करना, ये मसाला करी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। जिसे अरबी नहीं पसंद है वो भी ये करी बहुत ही अच्छी तरीके से खाएगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड आज की इस अरबी विद प्रॉन की मसाला करी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड सब्सक्राइब के साथ साथ एक बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।